अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पीक्स। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 होगा आज डबलिन में। मोहम्मद आमिर को वीजा ताखीर से क्यों जारी किया गया? आयरलैंड का कौन होगा कप्तान? किसने IPL की वजह से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया? आज करेंगे इसी सब पर बात। यस व्यूअर्स, पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले अब सिर्फ 7 मैचेस बाकी हैं, जिसमें से पहला मैच आज खेला जाएगा आयरलैंड के खिलाफ डबलिन के मुकाम पर। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान ये 3 मैचेस की बायलैटरल सीरीज होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बड़े एक्सपीरियंस कंपेनर हैं आयरलैंड की जानिब से। लेकिन अगर हम पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान की टीम एक बड़ा भारी भरकम स्क्वाड लेके आयरलैंड गई है। लेकिन अगर हम आयरलैंड की तरफ देखेंगे तो आयरलैंड क्रिकेट टीम के कुछ इशूज़ चल रहे हैं रिलेटेड टू पैसों के मामलों के मुतालिक। उनके कुछ उनके बोर्ड के साथ इशू चाह रहे हैं कि ICC की जो ग्रांट है वो उन्हें शायद प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। इस पर मज़ीद डेप्थ में बात करेंगे। बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम लेट्स सी किस कम्बिनेशन से खेलती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफ़ी ज़्यादा कमबैक्स नज़र आ रहे हैं, लाइक सलमान अली आगा वापस आए हैं, हारिस रऊफ इंजरी के बाद वापस आए हैं, हसन अली को दोबारा इंक्लूड किया गया। बहुत ज़्यादा सवालात भी उठे हसन अली पर, लेकिन हारिस रऊफ अब शायद टीम में होंगे या नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लेकिन नसीम शाह भी ये टीम के साथ, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रिजवान वापस आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, आज़म खान वापस आ चुके हैं। लेट्स सी इन लोगों का स्टेटस क्या होगा, क्या है फाइनल 11 का हिस्सा होंगे, इनके भी स्टेटस इस टाइम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात होंगे। इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिलेगा। लेकिन अगर हम आगे चल के देखें तो मोहम्मद आमिर, उनको NOC कह रहा हूँ, वीज़ा इशू बहुत ज़्यादा चाह रहा था। देखिए, पहली बात है वीज़ा इशू होना ही नहीं चाहिए था। मोहम्मद आमिर अब इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं कि वो इंग्लैंड की नेशनलिटी हासिल करने के करीब है, लेकिन उन्हें आयरलैंड का वीज़ा इशू डिले किया गया। फिर बाद में गवर्नमेंट लेवल पे इंटरफेरेंस हुई तो उन्हें इशू किया गया बाद में, लेकिन वो पहला मैच खेलने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आयरलैंड के एक प्लेयर जोश लिटल, जो आयरलैंड की तरफ से एक बड़े तगड़े फास्ट बॉलर है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया ड्यू टू IPL, बिकॉज वो IPL में गुजरात टाइटंस के लिए अभी खेल रहे हैं। हालांकि गुजरात टाइटंस बाहर हो चुका है प्लेऑफ से, लेकिन स्टिल वो उन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं। देखते हैं आप आयरलैंड की टीम भी अब ऐसी बातें करेगी तो कैसे चलेगा। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलता है इस सीरीज़ का, पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दो में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पनावा।